सरपंच के फादर ने मेरे को आदेश दिया एक भाई टिकरी पहरा लगा दो, लेकिन मैंने सरपंच के फादर को ये जवाब दिया एक भाई गांव में पंचायत करवा ले, गांव के आदमी को इकट्ठा करवा के टिकरी पहरा के लिए आदेश स्टार्ट करवा दे, लेकिन सरपंच के फादर ने उस पर कोई गौर नहीं किया। सरपंच साहब कहाँ पर गए? भाई सरपंच को नहीं पता भाई, सरपंच साहब हाँ पुलिस प्रशासन आया था, मीडिया बुला रखा है और गांव के भी काफी कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए। सरपंच समय के लिए चाय पी करके चले गए, आए थे 5 मिनट बैठे आपकी रिपोर्ट सुनी और चले गए। रिपोर्ट लिखी आपकी? हाँ रिपोर्ट लिख दी, रिपोर्ट लिखी गई है। मेरा नाम पवन कुमार है जी। आप ये बताइए जी, आपकी क्या राय है अगर मान लो सरपंच ये कह रहा है मैं मजबूर हूँ मेरे कहने से लोग उठते नहीं है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस समस्या का समाधान क्या होगा? कि वार्ड मेंबर है जो वो उठाए, जो अपने अपने वार्ड में से एक बंदा उठाओ, दो बंदा उठाओ, तीन बंदा उठाओ, लेकिन वो वार्ड मेंबर की होगी कि वो एक बंदा उठाता है या दो बंदा उठाता है, ये हमारी तरफ से सभी मेंबरों की वो होगी ताकि सभी मेंबर अपने अपने वार्ड में से चौकीदार को आदमी दे। ये बात भी सही है। नाम बता भाई। तू बोले मैं मिठू लाल। क्या समस्या? चुनाव सर इसी राम। क्या समस्या हुई आज? हमारी गाड़ियों के साइलेंसर उतार लिए। किसने उतार लिए? पता नहीं जी, रात को 2 गाड़ियों का साइलेंसर उतार लिए। कितने बजे? कुछ टाइम का कुछ नहीं पता जी। 11 बजे का एक को गाड़ी के, एक तो गाड़ी है 426 AK 142। नहीं जी नहीं लगता। नहीं लगता जी, पैरा नहीं लगता जी हमारे यहाँ। कितने दिन से पैरा नहीं लग रहा भाई? 1-2 दिन वो हमारे गांव में एक चोरी और हुई थी, उसके चक्कर में 2-4 दिन लगाया, उसके बाद फिर बंद कर दिया। नहीं लगाया उसके बाद? सरपंच से आपने बोला? उस चौकीदार साहब कह रहे थे, मैंने सरपंच से कही थी, तो उसके बाद कोई कार्रवाई ना हुई। चौकीदार कहाँ पर? और सोलर जितने भी गांव में लग रहे हैं ये ट्यूबलों के, उनकी सबकी डोरी काट ले, 18 तारीख ने कटी है, उससे पहले भी कटी है, वो तो कटी ये चोर। आपने सरपंच साहब को बोल दिया? ये तो सबको पता नहीं, पता नहीं आपने उसमें ना, सरपंच को तो नहीं बताया, लेकिन वहाँ FRI के भी लिए हमने गए थे। करी नहीं, ऑनलाइन करी थी, कल तो हुई नहीं, और ऑनलाइन कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो आप सरपंच साहब से बताओ, सरपंच साहब आगे चौकी में वो करेंगे। ठीक है, वो बता देंगे, वो तो वो नहीं बताए, मैंने तो नहीं बताया, बाकी उन्होंने बताया होगा, वो जिनकी चोरी हुई है चोरी हो बस। सभी से गांव वासियों से, मेरा नाम उचित कुमार है, सभी गांव वासियों से बस यही है जी, अपना पहरा लगाओ और इन चोरी और ये जो इनसे बचो, बस यही। हाँ पूरा पूरा सहयोग है, गांव के सरपंच से भी हम वो करेंगे कि भाई सहयोग दे, और चौकीदार है जी, और गांव वासियों से सबसे यही है कि भाई पहरा लगाओ, और इससे भाई जैसे ये आज 2 हो गई है, इससे कोई ज़्यादा और घटना ना हो जाए, इसलिए पहरा लगाओ। और जो पहरा लगे आज ये 2 गाड़ियों के साइलेंसर चोरी हो गए रात को, 80-80 हज़ार रुपये के साइलेंसर है, गरीब आदमी अपना काम चला रहे थे इससे, और ये ठीक बात नहीं है, और इससे भी कोई ज़्यादा बड़ी घटना हो जाए इसलिए अपना पहरा लगाए, बस यही गांव वालों सबसे यही है। चौकीदार आज से 15-20 दिन पहले तक तो मैं भी खुद उठा था, लग रही थी, और अब 15-20 दिन से बंद है, बंद है, कोई भी नहीं उठ रहा। नहीं गांव में अभी कोई नहीं उठ रहा, नहीं 15-20 दिन तक तो पहले हम 5-6 आदमी थे। चौकीदार साहब कह रहे मैंने परसों भी साइकिल में पहरा लगाया। नहीं चौकीदार अकेला लगाने से क्या होता है जी, पहरा तो लगाया इन्होंने, पहरा का इन अकेला आदमी का कोई काम तो कर रहे हैं, अकेला आदमी का क्या पता चलता लगा रहे नहीं लगा रहा, अकेला आदमी नहीं लगा रहा, जब तक गाँव का सब साथ नहीं देंगे, सरपंच साहब ये नहीं कहेंगे भाई ये ड्यूटी को ड्यूटी समझेंगे ना गाँव में, तब तक ऐसी घटना होती रहेगी। हाँ मैं मनोज कुमार मंदपुरा से, कैसे क्या घटना हुई था? मैं रात को 10:30 बजे आया था बुकिंग से, और आने के बाद लेट बैठ गया, सो गया, तो सुबह पता लगा भाई, देखा भाई ने गाड़ी स्टार्ट करी, तो मैं क्या बात होगी, देखा नीचे देखा तो साइलेंसर नहीं था, तो तुरंत मैं अपनी गाड़ी के पास आया तो मेरी गाड़ी का भी साइलेंसर नहीं था। कितने बजे का टाइम था ये? तो सुबह की बात है, तो सुबह चेक करी, सुबह 7 बजे पुलिस कंप्लेंट करी थी मैंने, 112 पे करी, तो फिर उसके बाद में उनका जो प्रशासन है उसका फोन भी आया था, ठीक है जी हम आ रहे, तो आए थे वो,
तो अपने पे कंप्लेंट वगैरह लिख क्या कह के गए वो कह रहे थाने में आ जाना वहाँ रिपोर्ट लिखवा देना। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे जो क्या कहना चाहेंगे अब क्या कह रहे बताओ। अब वो चौकीदार कह रहा मैं उठता हूँ अब नू कह रहा वो नहीं उठता ये नहीं उठता ड्यूटी किसकी बनेगी बताओ भाई सरपंच की है कि चौकीदार की है किसकी है। चोरी से तो ये लगता है जैसे कोई पैरा नहीं लगता नहीं पैरा तो नहीं लगता लेकिन ये बताओ ना भाई उसकी ड्यूटी किसकी रही। वो कह रहा है कि भाई मेरे को नहीं गई तो प्रशासन जाके बताए भाई ना सरपंच सुन रहा ना कोई सुन रहा गांव वाला तो किसी की ड्यूटी बनती होगी भाई यहाँ की जिम्मेवारी होगी ये भी भाई। हाँ जी मेरी गाड़ी है और जो दूसरी गाड़ी का साइलेंसर चोरी हुआ वो चाचा का लड़का मिट्टू। हाँ जी दोनों इको गाड़ी का दोनों। हाँ जी बोलता है रात ना पहले उठे थे जब रोजी ने बोल कहा था पहले कब ये तो उठना रहे जी का चौकीदार हूँ। देखो जी मैंने पहले जैसे आदेश आए उस प्रकार अकेले ने दो महीने तक पैरा लगाया ठीकरी पैरा अकेले ने लगाया पीसीआर जैसे प्रशासन की पीसीआर मेरे को मिलती तो उन्होंने मेरे को आदेश दिया भाई अकेला मत लगाया कर। जैसे ही एसएचओ साहब के आदेश हुए और लेटर आया उसके अधीन मैंने आदमी खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। सरपंच ने मेरे को आदमी देना स्टार्ट किया तो मैंने आदमी लगाने स्टार्ट कर दिए लेकिन गाँव के जो पहरे पर आदमी खड़े होते थे चौकीदार तुमने हमारे साथ ही रहना है जी मैं अकेला मान लो उनके साथ 24 घंटे रहूंगा तो मैं आदमी हूं मैं भी मेरा भी शरीर में थकता नहीं हूँ क्या। नंबर दो बात जब 85-85 साल के आदमियों का नाम देंगे तो मैं वो 85 साल के आदमी का पहरा लगाएंगे हैं तो जी उसके बाद और गांव से पूछा जाए गांव के आदमी जैसे मैंने पहरा लगाया है दो महीने अकेले लगाया उसके बाद जैसे प्रशासन का आदेश आया तो उस हिसाब से लगाया और जब आदमी हरिजन भाइयों की तरफ से आदेश ही आया अरे भाई हमारे क्या चोरी होती है हम क्यों पहरा लगाएं और राव साहब भाई उठते नहीं है टाइम के ऊपर जी मेरा इस ये मैंने सरपंच साहब के जो सरपंच साहब है उनको इतला की है कि विदाउट नंबर की गाड़ी रात के 11 बजे पानी की टंकी के पास खड़ी थी देखा तो उसको चेक किया बिगर नंबर की गाड़ी थी उसमें सरपंच साहब ने कहा भाई इसको या तो साइड में खड़ा कर दो या अपने घर ले जाओ भाई चोरी के कैसी है मैं क्यों अपना घर खड़ा करूँ। ठीक है जी वो भी फिर भी मैंने एक खोखे के पास खड़ी करवा दी। सुबह जब पता चला तो वो गांव के ही बंदे की सकुट्टी थी उन्होंने बताया कि भाई इसका तेल खत्म हो गया इसलिए खड़ी कर दी थी। आपने जैसे रात पीसीआर पीसीआर उस दिन आई पीसीआर उस दिन आई नहीं जी आपने ये बताया नहीं मैं बोलता हूं घर से एक एक घर से सभी सदस्य आएंगे ये जो आदेश लागू हुआ था उसके अधीन मैंने करना स्टार्ट कर दिया था लेकिन इस पे सही तरीके से गांव के लोग बाग नहीं आए जी। तो अभी आपके साथ कोई भी आप अकेले लगाते अकेला लगाता हूँ कल मेरी तबीयत खराब थी। ठीक है जी परसों मैंने अकेले ने पहरा लगाया अपनी साइकिल के थ्रू। ठीक है जी और गांव को जो स्पीकर भर रखे है उसमें यही लिख रखा है सभी मंदप्राय ग्रामवासी जागरूक हो चोरों से सावधान रहो चोरों से सावधान रहो और जागरूक हो ये आवाज मैंने भर रखी है। सरपंच साहब से सरपंच से मैंने सरपंच के जो चाचा है प्रीतम उसको मैंने उसको फोन किया उनको बताया उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। सिंह मैंने वार्ड नंबर 1 से 37 मेंबर को मेरे को अपने वार्ड से पहरेदार दो तो उसने ये जवाब दिया मेरे वार्ड से आज उठे ना कल उठे ना मेरे वार्ड से कोई आदमी नहीं उठेगा तो जी मैं क्या करूँ।